पार्टी बीजेपी और सत्ताधारी दल के नेता जेएमएम के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। अब झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जैसे ही संथाल परंगना के दौरे पर निकले, इलाके के आदिवासी समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। इसी क्रम में बाबूलाल ने पाया कि इलाके में आदिवासी बहुल क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप काफी ज्यादा है। अब क्या था, बाबूलाल मरांडी ने सीधे राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए साफ किया कि जो पार्टी आदिवासी वोट के बल पर सत्ता में आई है उन्हें आदिवासियों की सूद लेने की फुर्सत नहीं है। इसके पहले कि हम आपको राज्य में विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी दल के दावे और वादों पर बातचीत करें, एक बार जरा सुन लेते हैं कि आखिरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मलेरिया को लेकर किस तरीके से राज्य सरकार का घेराव किया है। और उसके बाद राज्य सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वे आगे जो उसके लिए बचाव के लिए जो जो प्रिकॉशन होता है साफ साफ मच्छर जो है ना लार्वा जिसको बोलते हैं अंडा वो नहीं दे, जो पानी का जो जल जमा होता है। और गांव में तो पहाड़िया गांव ऐसे होगी जहां पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। हम जो लोग हमको भेजा था फोटो, शायद आज जाएंगे तो हाँ, शायद रास्ता भी नहीं है जाने। तो कहने का अर्थ है जितनी भी मलेरिया भविष्य में हम उसको भगा सके तो उसके लिए जो जो चीज करना चाहिए तो सरकार को प्रिकॉशन लेना चाहिए। खास करके जो मलेरिया जोन है, पाकुड़ जिला है, साहेबगंज जिला है, गुड्डा का जो सुंदर पहाड़ी है, बुआरी जोड़ है, ये मैक्सिमम जिसको बोलते हैं प्रत्येक साल करीब करीब होता ही नहीं होता है, ऐसा नहीं, आप सब लोग हमसे अधिक परिचित है। लेकिन बेचारा क्या करेगा, या तो झाड़ फूक कराता है या मर जाता है तो फिर यहीं नदी नाला में कहीं दफना देता है, बहुत बड़ा कोई वो रिपोर्ट नहीं बनता है। तो मेरा कहना है कि आधुनिक इस भारत में भी 21वीं सदी में अगर इस प्रकार के लोग मरते रहे इस ये बीमारी से, तो मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी बड़ी चैलेंज है, एक चुनौती है। तो इसलिए लगा कि एक विषय तो ये है कि अफसोस है कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ आए, उनका क्षेत्र पड़ता है सुंदर पहाड़ी, तो बरेठ विधानसभा में पड़ता है, और उसके बाद भी वो नहीं गया, लिट्टी पड़ा भी उन्हीं के क्षेत्र है, जेएमएम का ही विधायक है। तो इन क्षेत्रों में तो और बाकी फिर सरकार कौन सा अपने दरवाजे कह रहे कि सरकार आपके द्वार, तो कौन सा द्वार में जा रहे, उन द्वारों में जाना चाहिए ना जहाँ लोग पीड़ित है, जहाँ पर लोग अभी तकलीफ में लोग जी रहे हैं, लेकिन वहाँ तो गए ही नहीं, वहाँ देखे ही नहीं और फिर वापस रांची चले गए। इधर जैसे ही बाबूलाल ने राज्य की मलेरिया के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर हमला बोला, वैसे ही जेएमएम ने भी बीजेपी और उनके नेताओं पर पलटवार किया है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल को निशाने पर लेते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बाबूलाल को नविस्थापित बताया बल्कि बेरोजगार भी बताया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आखिर किस तरीके से बाबूलाल और उनकी पार्टी को निशाने पर लेते हुए सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। आज कल आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरे राजनीतिक तौर पर पहले तो विस्थापित हुए थे, अब बेरोजगार भी हो गए। ऐसे एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके मुंह से अभी बहुत सारे बातें आ रही। हताशा में जिस प्रकार से लोग कहते हैं वही बात वो कह रहे हैं। एक बहुत सेंसिटिव इशू है और वो हमारे राज्य के लिए एक अभिशाप भी है, खासकर संथाल परगना में और कोल्हान में, जो मलेरिया के रूप में और उसके ऊपर में लगातार हमारी सरकार ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसके रोकथाम के लिए उपाय किए। जिस प्रकार कोरोना एक आपदा था, उसी प्रकार का ये मलेरिया भी एक आपदा है।
बहरहाल झारखंड में तो राजहित और जनहित की समस्याएं भी अक्सर राजनीति और चुनावी मुद्दा बन जाता है। ऐसे में जब मलेरिया जैसे प्रकोप से जूझ रहे संथाल परंगना में चिकित्सा सुविधा सेवा की जरूरत है, वैसे में अब राज्य में राजनीतिक दल इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में देख रहे हैं, जबकि जरूरत है कि इस तरह के गंभीर मुद्दों पर बेहतर तालमेल के साथ आम जनता तक चिकित्सा सुविधा और सेवा देने की पहल की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइल एंड कलर, एडवांस स्किन ट्रीटमेंट, एयर ब्रश, ब्राइडल मेकअप और प्रोफेशनल एकेडमिक कोर्सेज के साथ द काया इस बार लाया है कुछ खास जो आपकी खूबसूरती में जगाए एक अलग एहसास।